तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं छोटा सा ब्लॉग में आप एक फिर से स्वागत है। तो फिर से हम लोग घूमने के लिए आ गए हैं, और ये जो पहाड़ों का व्यू है मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। छोटा भीम भी आ रहा है यहाँ पे। छोटा भीम पहाड़ों का किंग छोटा भीम, हम दोनों जा रहे हैं साथ में घूमने के लिए। घूमने क्या है, हम लोग यहीं रहना है। मस्त बनेगा यार दिल। आज कहना जरूरी है कि तुमसे बहुत जबरदस्त आ रहा है सूरज, सच में कसम से बहुत, मतलब लुक बहुत जबरदस्त आ रहा है। धूप लगे ये है सूरज, देखिए अभी रील्स बनाने के लिए फिर तैयार हो गया है, कोशिश कर रहे हैं। और ये पहाड़ों का जो खूबसूरत व्यू है, हाँ बहुत सड़क है, तो हम लोग चल रहे हैं आगे। कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे सूरज गैस करा था, अब रेस्टोरेंट में काम करता है, मैनेजर हो गया है। क्योंकि शिक्षा कभी बेकार नहीं होती है, और शिक्षा का देन है कि सूरज। तो अच्छा लगता है, मेरा दिल जिससे दिल पे पुस्ता टॉप का लग रहा है यार ये। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। पहाड़े पे जब मकान बनाओ ना ऐसे, तो सबसे पहले पक्कू पुस्तक लगा दो, भैंस कॉलम कॉलम पर डाल दो। पहाड़ों में सबसे पहले कुछ लगे या ना लगे, बोरवेल जरूर कराओ। बोरवेल तो है ही है ही, उसके बाद पुस्तक है जब मकान बनाना तो। हाँ मतलब सुरक्षित दीवार लगा दो दाएं बाएं। अभी हम लोग कॉटेज में आ चुके हैं। कहाँ से जाए, यहाँ से चलते? नहीं, यहाँ से बंद होगा ना, आगे से आगे से शायद खुला होगा। अच्छा, तो वहाँ पे बर्फ गिर चुकी है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, दिख नहीं रहा है वहाँ से। आ जाओ सूरज, ऊपर आ जाओ। कौन चाय पिएगा, कौन चाय पिएगा? सूरज आ जाओ, आ जाओ। यह है सूरज, और यहाँ पे देखिए खेती हुई है, छोटे छोटे पौधे हैं इसमें। ये पता नहीं कौन सी साग है, मुझको भी पता नहीं है। और ये पानी का टैंक है, और यहाँ से ये देखिए पहाड़ों का व्यू। और उस वाले चोटी पे थोड़ा सा बर्फ भी गिर चुकी है, जूम पे शायद नहीं दिख रहा है। तो वो है घट्टू घाट जो आपको दिख रहा है, और ये आ गया सूरज रील्स बनाने के लिए। और यहाँ के पहाड़ के जो खूबसूरत वादियाँ हैं आप देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि है क्या पहले ये, और हिंदुस्तान का फ्लैग। वहाँ रील्स बनाओ, वहाँ पे दिल पे है कहीं भी। मैं फिर से पहाड़ घूमने के लिए आया हूँ, और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से जो पहाड़ों का व्यू है ना भाई साहब, मतलब मुझको तो बहुत, मतलब आई लव यू पहाड़। काफ़ी सुंदर ये पहाड़ है, और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ एकदम पूरा पहाड़ का टॉप है, और आप देख सकते हैं कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड है पहाड़ों का, और सामने बर्फ भी गिर चुकी है। इस मोबाइल फ़ोन में नहीं आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे भी देखिए झंडा लग चुका है, इससे काफ़ी मतलब यहाँ खूबसूरत लगता है। और बाकी यहाँ पर थोड़ा वो साग, मतलब साग लगा दिया गया है खाने के लिए, और यहाँ पे टंकी है,
और पीछे यहाँ से जो टॉप का जो पहाड़ दिख रहा है ना भाई साहब, मतलब बहुत कम ऐसे दिखता है। इधर भी दिख रहा है और मैं आपको दिखा दूँ, इधर भी पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं और बीच में ये पहाड़ का जो टॉप है ना उस पर हम लोग खड़े हैं। और यहाँ से आप सारे पहाड़ों का व्यू आराम से देख सकते हैं। तो अभी चाय पीने का टाइम हुआ है, हम लोग चलते हैं चाय पीने, फिर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अभी चाय भी मिल चुकी है, देख लीजिए ये पहाड़ों की जो ये लाल चाय होती है, काफ़ी अच्छी चाय होती है। मौसम भी ठंडा है, हाथ में भी चाय है और पहाड़ों का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हाथ में चाय हो और बैकग्राउंड इतना अच्छा हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोग भी सोचे थे कि चलते हैं आज अंकल जी के, ये जो बन रहा है ना ये कश्मीर से हैं तो इनसे अच्छी जान पहचान है, तो हम लोग यहीं पे आके बैठते हैं और अच्छा लगता है, यहाँ से व्यू भी देख लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, अब हम लोग भी चलेंगे अपने कमरे क्योंकि अब शाम हो जाएगा, फिर कमरे में यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। तो छोटा ब्लॉग्स में तो आज का यहीं ब्लॉग समाप्त होता है और आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। छोटा ब्लॉग है मगर कोई बात नहीं, हम लोग वैसे ब्लॉग शूट करने के लिए नहीं आते, ऐसे ही आके जब मैं सोचा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ बैठता हूँ, जहाँ चाय पीने जाता हूँ वहाँ आपको मैं दिखा दूँ, तो मैं आपको ये जगह दिखा दिया। अगर जगह अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेके नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।